नमस्कार दोस्तों, गर्मी आ चुकी है तो मैं आपके साथ आज एक आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने ली है मलाई, ये मेरे घर की फ्रेश मलाई है, ये है मेरी करीब 300 ग्राम। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप मार्केट से जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं, और या दूध को गाढ़ा करके भी उसको बना सकते हैं। और साथ ही लिया है मैंने, ये है मेरी ठंडाई ली है मैंने 6 चम्मच। मैं ठंडाई को ना नॉर्मली बना के ऐसे डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ, इसे फ्रिज में रख लेती हूँ, ये ख़राब नहीं होती है। मैं आपको स्टॉलेंट शेयर कर दूँगी, ठंडाई का मैंने पहले भी रेसिपी डाल रखी है कि कैसे आपको ठंडाई पाउडर बनाना है। और साथ ही ली है मैंने चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें चीनी यूज़ की है 8 चम्मच। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसको चीनी को। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें जो हमारी मलाई है उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब मिक्सी में चलाएं तो इसको बहुत देर तक नहीं चलाना है, बस स्ट्रेट स्मूथ बैटर तैयार हो जाए, फिर आपको इसको बंद कर देना है, नहीं तो आपका इसमें से बटर या फिर घी निकल जाएगा। मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको। इसी तरह से जो और भी मेरी मलाई थी उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एक बैटर बना दिया है उसका। मैंने पूरी मलाई इस बैटर में डाल दी है, इस कंटेनर में डाल दी है। अब इसमें जो ठंडाई पाउडर है उसको हम डालेंगे, और साथ ही जो हमारा चीनी पाउडर है उसको भी इसमें हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको हल्का सा टैप कर देंगे। अब हम एक फॉइल ले लेंगे और उसको हम इसके ऊपर अच्छे से पूरा कवर अप कर देंगे, और इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इसको पूरा अच्छे से किनारों से हल्का सा दबा देना है। अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे जमने के लिए। मैंने 4 घंटे पूरे फ्रीज़र में रखा था इसको जमने के लिए, क्योंकि जो मेरा कंटेनर है ना वो एल्युमिनियम का है, उसमें बहुत जल्दी मेरे बर्फ़ या कोई भी आइसक्रीम वगैरह है वो जम जाती है। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं स्लोली स्लोली। वाओ, देखिए पूरी अच्छे तरीके से जमकर रेडी है। समर में तो वैसे ही बहुत मन करता है चिल चीज़ें खाई जाएं। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। इसको हम कट कर लेते हैं, आप किसी भी पीसेस में कट कर लेंगे जो भी आपको शेप चाहिए। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं जितना भी आपको खाना हो। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आपको सब रेडी होता है। ये मेरा बनकर रेडी है, आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक से शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।